Hello to one and all. Let us start with the another tutorial on integration. In this tutorial, I will discuss exercise 7.2. हालांकि मैं सारी करवा चुका हूँ आपको अलग अलग टाइप्स के अंदर, बट एक्सरसाइज कर एक ऑर्डर में करने के लिए मैं इस ट्यूटोरियल को प्रिपेयर कर रहा हूँ. राइट, मैंने आपको अभी तक कौन कौन से प्रॉपर्टीज करा दी हैं एक बार अगर हम देखें फटाफट, तो ना मैंने बोला था कि ये जो एक्सरसाइज है ये तो बेसिकली तीन फॉर्मूला पे बेस्ड है. कौन कौन से फॉर्मूले बेस्ड हैं एक बार देख लेते हैं फटाफट. जितनी भी एक्सरसाइज है ये एक पर्टिकुलर फॉर्मूले पे बेस्ड है. तीन हमने फॉर्मूलेज किए थे ऐसे. एक था आपका इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, जो होता है वो होता था लॉग एफ एक्स. इस पर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करे हैं, अलग से सेपरेट ट्यूटोरियल्स भी करे हुए हैं. राइट, बट क्योंकि एक प्रॉपर ऑर्डर में पूरी एक्सरसाइज कर लेते हैं ताकि एग्ज़ाम टाइम में हमारे पास सारे सॉल्यूशन रेडी हो, तो उसके लिए मैं सॉल्यूशन डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ. इसका आंसर होता था टू रूट एफ एक्स प्लस सी. और तीसरी प्रॉपर्टी थी हमारे पास कि सेम एफ डैश एक्स आए बट साथ में एफ एक्स की पावर एन आए, यहाँ पे होल पावर एन. तो इसका आंसर आता है एफ एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी. आप सेकंड वाला फॉर्म क्वेश्चन भी इसी तरीके से कर सकते हैं थर्ड की तरह, क्योंकि उसी में एन हाफ हो जाए, माइनस हाफ हो जाएगा, फिर सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, फटाफट करते हैं क्वेश्चंस को, चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड उसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है. यह है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर है तो हम फर्स्ट प्रॉपर्टी लगा सकते हैं. तो इसका आंसर आ जाएगा लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, यानी लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी. राइट, सेकेंड क्वेश्चन देखें. सेकेंड क्वेश्चन हमारा थर्ड प्रॉपर्टी भी लग रहा है. देखो कैसे कि ना मैं 1 बाय x, ये क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है हमारे पास लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स. तो मैं 1 बाय x ऐसे लिख देता हूँ और लॉग एक्स का स्क्वायर ऐसे लिख देता हूँ. तो ये हमारा फंक्शन है लॉग एक्स, उसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स है. तो यहाँ प्रॉपर्टी लग रही है कि एफ डैश एक्स इंटू एफ एक्स की पावर एन होती है. तो हमारा आंसर आता है लॉग एक्स की पावर 3 अपॉन 3 प्लस सी. क्योंकि बेटा ये 1 मार्कर है तो हमें डायरेक्ट करने हैं. आप सब्स्टिट्यूशन करके भी कर सकते हैं. सब्स्टिट्यूशन कैसे कि आप इसमें लॉग एक्स को पी पुट कर दे, 1 बाय x डेरिवेटिव आ जाए, वैसे भी कर सकते हैं. राइट, थर्ड क्वेश्चन के अंदर आप देखो, मैं पहले ना एक्स कॉमन ले लेता हूँ, एक्स कॉमन ले लेता हूँ यहाँ पे 1 प्लस लॉग एक्स. अब मैं क्या करता हूँ, इस 1 बाय x को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 1 बाय x अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स लिख सकते हैं. अब आप ध्यान से देखो, नीचे वाली टर्म यानी 1 प्लस लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या आ रहा है, 1 का डेरिवेटिव 0, लॉग एक्स का 1 बाय x. तो लॉग ऑफ डिनोमिनेटर वाली फॉर्म लग जाएगी, क्योंकि एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स वाली फॉर्म लग जाएगी. तो हमारा आंसर आ जाएगा लॉग ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स. यानी यहाँ पे दो फॉर्मूले, दो में तो ये वाला फॉर्मूला लगा और एक में ये फॉर्मूला लगा. राइट, ओके, फोर्थ क्वेश्चन में चलते हैं. फोर्थ क्वेश्चन में आपके पास यहाँ दिया हुआ है साइन ऑफ, यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लग रहा, तो हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे करेंगे. देखिए हमें दिख रहा है कि कॉस एक्स का जो डेरिवेटिव है वो साइन एक्स होता है. हाँ, प्लस माइनस कोई कन्फ्यूजन नहीं, वो तो हम इधर उधर रीअरेंज कर सकते हैं. तो हमने क्या किया, कॉस एक्स को पी पुट कर दिया, माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी पी हो गया. तो मैं माइनस को इधर ले गया. अब इस क्वेश्चन में साइन एक्स और डी एक्स मिल के बन गए माइनस डी पी, और यहाँ पे साइन के अंदर आ गया पी. अब हमें साइन पी का इंटीग्रेशन करना है. अब साइन पी का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है हमारे पास कॉस पी माइनस में, और फिर पी की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कॉस कॉस एक्स प्लस सी. तो इस तरह से हम आंसर कर सकते हैं. ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है उसको हम दो तीन तरीके से कर सकते हैं. बेटा अगला क्वेश्चन है साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स. इसको हम दो तीन तरीके से कर सकते हैं. एक हो सकता है फर्स्ट अप्रोच कि हम क्या करते हैं, साइन ए एक्स प्लस बी को पी पुट कर देते हैं, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी और फिर इंटू ए एक्स प्लस बी का. तो उस ए को हम राइट साइड पर लेंगे. तो आपका क्वेश्चन बन गया पी डी पी बाय ए. तो 1 बाय a एज इट इज़ p का इंटीग्रेशन पी स्क्वायर बाय 2 प्लस c. तो ये आपका आ जाएगा p की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे. p की वैल्यू क्या है,
पी की वैल्यू है साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी बाई टू प्लस सी। आप यहाँ पे इसको सेकंड अप्रोच क्या कर सकते हैं, आप कॉस ए एक्स प्लस बी भी पुट कर सकते थे। अगर आप कॉस ए एक्स प्लस बी को पी पुट करेंगे तो आ जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी विद नेगेटिव साइन और फिर ए एक्स प्लस बी का ए, तो वो हम इस साइड ले जाएंगे माइनस बी और ए बी, और फिर क्वेश्चन में पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस वन बाई ए पी डी पी, और फिर आंसर आ जाएगा आपका पी स्क्वायर बाय टू, और फिर पी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए एक्स प्लस बी बाय टू प्लस सी। राइट, अब क्वेश्चन बच्चों का आता है कि सर ये सेम आंसर नहीं आ रहे, बट बेटा ये एक्चुअल में सेम आंसर ही आ रहा है अगर आप इसको सही देखो ना ढंग से। अगर आप कॉस स्क्वायर को लिख दो वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो वो एक तो वन जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा माइनस वन बाय टू है, और फिर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई टू ए प्लस सी। तो ये कॉन्स्टेंट इसके साथ मिलकर एक नया कॉन्स्टेंट बना दिया, तो ये साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी अपॉन टू ए, और ये आ गया, और यहाँ पे ए तो था ही है ना, तो सेम आंसर आ जाएगा। ठीक है, और थर्ड तरीका क्या हो सकता है, आप क्या करो इसको ना टू से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब हम टू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा टू साइन एक्स साइन बी का फॉर्मूला, यानी मैंने क्या किया इसमें हमने वन बाय टू से डिवाइड कर दिया, टू से डिवाइड और टू से मल्टीप्लाई किया तो ये फॉर्मूला बन गया साइन ऑफ टू थीटा का, यानी टू ए एक्स प्लस बी का। अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, तो ये आपका आंसर आ जाएगा माइनस कॉस टू ए एक्स प्लस बी अपॉन फिर टू ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव लेंगे तो आ जाएगा टू ए, तो फोर ए प्लस सी, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये भी आंसर मैच कर रहा है, अगर आप कॉस टू थीटा का फॉर्म लगाएं साइन की फॉर्म में तो ये आंसर मैच कर जाएगा, कॉस की फॉर्म में लगाएं तो ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स में। क्वेश्चन नंबर सिक्स में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सबसे इजी क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी की पावर हाफ, तो हमें तो पता ही है एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन होता है इसकी पावर एन प्लस वन यानी थ्री बाय टू हाफ प्लस वन अपॉन थ्री बाय टू, और फिर ए एक्स प्लस बी का डायरेक्टिव क्योंकि कॉन्स्टेंट आ रहा है उससे डिवाइड कर देंगे। याद होगा आपको मैं सारे ट्यूटोरियल में करवा चुका हूँ, अभी तक हम 12 ट्यूटोरियल कर चुके हैं, तो ये सारी फॉर्म हम कर चुके हैं। ठीक है, ये आ गया सिक्स क्वेश्चन। सेवन्थ क्वेश्चन में क्या है, मैंने आपको जब भी बताया, मैंने क्या बताया आपको कि जब भी रूट का कोई क्वेश्चन आया ना तो रूट के अंदर वाले टर्म को सबसे पहले हम कोशिश करो पी मानने की, पी स्क्वायर मानने की, ताकि रूट से बाहर आ सके। तो हम उसी अप्रोच को फॉलो करते हैं, हम x प्लस टू को ना पी स्क्वायर मान लेते हैं, तो डी एक्स क्या आ जाएगा टू पी डी पी। तो आपका क्वेश्चन क्या बन जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा इसकी जगह आ गया पी, डी एक्स की जगह आ गया टू पी डी पी, और x की जगह यहाँ से निकाल लेते हैं पी स्क्वायर माइनस टू, तो टू बाहर इस पी स्क्वायर को पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो पी फोर माइनस टू पी स्क्वायर। अब आप इंटीग्रेट कर दो तो ये आपका आंसर आ जाएगा टू पी फाइव बाई फाइव माइनस टू पी थ्री बाई थ्री प्लस सी, और फिर पी की वैल्यू पुट कर देंगे, पी की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से हो जाएगी पी की वैल्यू एक्स प्लस टू की पावर हाफ, तो आपका आंसर आएगा टू बाई फाइव एक्स प्लस टू की पावर फाइव बाई टू माइनस फोर बाय थ्री एक्स प्लस टू की पावर थ्री बाय टू प्लस सी। आपको यहाँ आंसर छोड़ना है, अगर आप पीछे एनसीईआरटी में देखेंगे उन्होंने ना इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया हुआ है, कैसे यहाँ पे एक्स प्लस टू की पावर थ्री बाय टू को कॉमन ले लिया और फिर अंदर सॉल्व कर दिया, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, एट क्वेश्चन देखते हैं एक बार, एक क्वेश्चन मैं यहीं करा देता हूँ। आप देखो जो रूट के अंदर वाली टर्म है उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 4x, हमारे पास x तो है 4 नहीं है, तो मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया 4x, और इस वाले एक्सप्रेशन की पावर हाफ। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी हमारी कि f डैश x और f(x) की पावर n हो, तो उसका आंसर आता है 1 प्लस, यानी f(x) की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो यानी हाफ अपॉन हाफ कर देंगे तो ये 2 से ही कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 बाई सिक्स, तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पे 6, और ये आपका
आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये एट्थ क्वेश्चन भी डायरेक्ट था। नाइन्थ देखें, नाइन्थ में हम क्या देख रहे हैं, बिल्कुल सेम अप्रोच जो मैंने अभी पीछे लगाई उसी वाली अप्रोच को फॉलो करें, तो जो अंदर स्क्वायर रूट के अंदर है उसका डायरेक्टिव आ रहा है 2x + 1 और बाहर है 4x + 2, तो मैं बाहर वाली टर्म से 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो मुझे अंदर जो रूट के अंदर टर्म है उसका डायरेक्टिव 7 मिल गया। तो अगर मैं उस प्रॉपर्टी को लगाऊंगा कि एफ डैश एक्स और एफ एक्स की पावर एन, तो इसका आंसर क्या आएगा, एफ एक्स की पावर n+1/n+1, और फिर इसको सॉल्व कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, 4/3 x² + x + 1/3/2+c। ठीक है, अब चलते हैं 10वें क्वेश्चन पे। अब मैं देख रहा हूँ कि ना x को लिख सकता हूँ √x × √x, तो √x कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, अब मैं इसको ना देखो स्मार्ट तरीके से क्या करूँगा, एक तरीका हो सकता है √x - 1 को पी स्क्वायर मान लेंगे या पी मान लेंगे, बट मैं क्या करूँगा, मैंने इसको ना 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया और जो 1/2√2 है उसको ऊपर लिख दिया। लिख सकते हैं, ऐसा इसलिए किया मैंने कि जो नीचे वाली टर्म है उसका डायरेक्टिव ऊपर मिल रहा है। देख लो आप, √x - 1 का डायरेटिव क्या आएगा, 1/2√x, यानी f′(x) / f(x) वाली फॉर्म है, तो आपका आंसर आ जाएगा log(f(x)। तो ये सारे तरीके जो मैं करा रहा हूँ ये हमें एक तो टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, बचा देंगे, टाइम सेव करेंगे, दूसरा कंपिटेटिव लेवल पे हम बहुत इजीली इन क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं 11th क्वेश्चन पे। 11th में क्या देखा, क्या कंसेप्ट बताया मैंने, रूट के अंदर वाले टर्म को हम पीस पर मानेंगे, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए x + 4 को पी स्क्वायर मान लेंगे, यानी x क्या आ जाएगा p² - 4, dx क्या आ जाएगा 2p dp। इंटीग्रेट करते हैं ज़रा, तो x की जगह आ गया p² - 4, dx की जगह आ गया 2p dp, और नीचे रूट में p² था तो p आ गया, p से p कट गया, और फिर आप इंटीग्रेशन कर देंगे तो p² का इंटीग्रेशन p 3/3, 4 का 4p + c, और फिर p की वैल्यू पुट कर देंगे, p की वैल्यू क्या होगी, x + 4 की पावर 3/2 - 8 और x + 4 की पावर 1/2। वही सेम लॉजिक जो मैंने बताया कि इसको फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं, करना चाहो तो सिंप्लीफाई करना चाहो तो, अगर NCERT से मैच करवाना है, कैसे, x + 4 की पावर 1/2 को कॉमन ले लो फिर सॉल्व कर दो। 12th क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। अब यहाँ पे आ रहा है क्यूब रूट, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर रूट में हम अंदर वाले टर्म को पी स्क्वायर मान लेते हैं, स्क्वायर रूट वाले क्यूब रूट वाले में अंदर वाले टर्म को हम पी क्यूब मान लेते हैं, उसी लॉजिक से यहाँ पे भी करेंगे। तो बट मैं पहले ना एक चीज़ क्या करूँगा, ये जो बाहर x5 है इसको मैं लिख रहा हूँ x³ × x². अब आप क्या करोगे, x³ - 1 को आपने pq मान लिया, तो 3x² = 3p² हो गया, तो x²dx = p²dp हो गया। अभी क्वेश्चन क्या बनेगा देखें, इसकी जगह आ जाएगा p³ / 1/3, यानी पी, x³ की जगह आ जाएगा pq+1 और x²dx की जगह आ जाएगा p²dp, यानी ओवरऑल क्या बन गया, ये बन गया p6 + pq। अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो p7/7 + p4/4+c, और फिर p की वैल्यू पुट कर देंगे, p की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से जब एक साइड से पावर हटाते हैं तो दूसरी साइड जाके रेसिप्रोकल हो जाती है, तो बन जाएगा x - 1 की पावर 7/3 और ये हो जाएगा x³ - 1 की पावर 4/3/4+c। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अब चलते हैं 13th क्वेश्चन पे। 13th क्वेश्चन में आपको क्लियरली दिया हुआ है, देखो ध्यान से कि ना x² है, तो ना मैं क्या करता हूँ, ये जो रूट, ये जो टर्म है नीचे, इसका डेरिवेटिव बनाने की कोशिश करते हैं। इसका डेरिवेटिव आ रहा है 2 का डेरिवेटिव 0, 3x³ का 9x², तो मैंने ना 9 से मल्टीप्लाई कर दिया और 9 से डिवाइड कर दिया और इसको लिख दिया 2 + 3x³ की पावर 3 - 3, तो वही प्रॉपर्टी लग रही है f′(x) और f(x)की पावर n, तो इसका आंसर आता है f(x)की पावर n+1, तो -3 + 1 - 2 हो जाएगा और -2 + c, तो ये आपका आंसर आ गया, कितना आंसर आ गया, -1/18
वन बाय टू प्लस थ्री एक्स क्यूब का स्क्वायर। तो देखो आप क्वेश्चन बहुत ईजी है, सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करने आने चाहिए और ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, बहुत आसानी से आप इन क्वेश्चन को ऐसे ही कर सकते हैं। वन मार्कर है क्योंकि सारे, तो इस तरह कर सकते हो। प्रॉपर्टी मेंशन करिए, कुछ गलत नहीं है। फिर से सही, वन बाय एक्स और अगला आ रहा है लॉग एक्स की पावर माइनस एम माइनस एम। तो फिर से सेम डेरिवेटिव और एफ एक्स की पावर एन प्लस वन एन है, तो इसका आंसर आ जाएगा एफ एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। तो बस यही आंसर है, बस इसको चाहो तो आप नीचे लिख दो पॉजिटिव पावर करके, ये एम माइनस वन कर देंगे और प्लस सी, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके फटाफट चलते हैं, बाकी तीन क्वेश्चन रह गए वो भी देख लेते हैं। 15 क्वेश्चन, एक्स अपॉन नाइन माइनस फोर एक्स स्क्वायर। तो नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव बन रहा है बेटा, कैसे बन रहा है, नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव आ रहा है माइनस वन माइनस एट एक्स, तो माइनस एट से मल्टीप्लाई कर दिया तो लॉग ऑफ डिनोमेटर वाली फॉर्म हो गई। तो इसका आंसर आ जाएगा वन बाय माइनस एट लॉग ऑफ नाइन माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, तो मुश्किल नहीं है। 16th क्वेश्चन क्या था, 16th ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, 2x प्लस थ्री, इसमें क्या प्रॉब्लम है ना, e की पावर में 2x प्लस थ्री, तो नॉर्मल वही सेम चेन रूल की तरह ex का डेरिवेटिव तो ex ही होता है, तो ये खुद ही आ जाएगा। और फिर इसके एंगल का डेरिवेटिव 2x प्लस थ्री का डेरिवेटिव, सो 2 से डिवाइड किया। एनसीईआरटी में इसलिए दे रखा है इस एक्सरसाइज में कि आप 2x प्लस थ्री को p पुट करो फिर e की पावर p बनाओ, बट क्यों करें इतना बड़ा हम, ठीक है ना, तो हम ऐसे नहीं करेंगे। तो मैथ्स इज़ ऑल अबाउट डिफरेंट अप्रोच, तो आपको दिमाग लगाना है तो इस तरह भी कर सकते हैं। अगला है बेटा x और e की पावर, x को नीचे था तो मैं उसको ऊपर ले गया, ठीक है ना, यहाँ पे जो अपॉन एक्स स्क्वायर था उसको मैं ऊपर ले गया। अब आपको दिख रहा है कि हम क्या करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर को पी पुट कर देते हैं, ठीक है, तो ये बन जाएगा माइनस टू एक्स डी एक्स इक्वल टू डी पी, तो माइनस उधर लेंगे और फिर टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे डेरिवेटिव बनाने के लिए, नहीं तो आप टू को उधर भी ले जा सकते थे। तो ये बन गया वन बाय टू टू एक्स एक्स डी एक्स की जगह माइनस डी पी आ गया और ये ई की पावर पी हो गया, क्योंकि हमने माइनस एक्स स्क्वायर को ही मान लिया। अब ई पी का इंटीग्रेशन तो ई पी ही होता है, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा माइनस वन बाय टू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 18 क्वेश्चन बहुत ही आसान है, क्लियरली आपको दिख रहा है कि टैन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर और वही हमें दे रखा अलग से। तो हम क्या करेंगे, टैन इनवर्स एक्स को पी पुट कर देंगे, वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स डी पी आ जाएगा और उसके बाद ये बन जाएगा ई पी डी पी और ई पी डी पी का इंटीग्रेशन तो ई पी होता है। और फिर ना इंटीग्रेशन करने के बाद आपने ना सब्स्टिट्यूट जरूर करनी है वैल्यूज, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक बात है, 19th और 20th क्वेश्चन में आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करवा चुका हूँ अगर आपको याद हो तो बहुत सारे तरीके से कराया था मैंने इस क्वेश्चन को आपको, तो अगर नहीं देखा है तो ट्यूटोरियल दोबारा देखिए एक्सपोनेंशियल वाली फॉर्म। नहीं तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि मैं क्या करता हूँ 19th वाले में इसको ई एक्स से डिवाइड कर देता हूँ, डिवाइड बाय ई एक्स। तो जैसे ही हमने ई एक्स से डिवाइड किया था, यहाँ पे मैं एक ही तरीका बता रहा हूँ, वहाँ पे हमने दो तीन तरीके से किया था इसको। ई एक्स से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा ई एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, ये आ जाएगा। जैसे डिवाइड करेंगे तो नीचे वाले टर्म का डेरिवेटिव ऊपर बैठा है, तो आंसर आ जाएगा लॉग ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सी। और 20th भी वही अप्रोच है, बट वहाँ ऑलरेडी बना के दे रखा है। एक बार आप ध्यान से देखो तो डिनोमिनेटर में जो है उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, उसका डेरिवेटिव आएगा ई टू एक्स इंटू टू और फिर प्लस ई की पावर माइनस टू एक्स इंटू माइनस टू। टू को अगर कॉमन ले लोगे तो ऊपर वाली टर्म आ रही है, तो वैसा बनाने के लिए हमने टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ठीक है, हमने टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो लॉग ऑफ डिनोमिनेटर ऊपर है, मतलब नीचे वाले ग्रेड ऊपर है, तो लॉग ऑफ डिनोमिनेटर हमारा आंसर आ जाएगा।
तो इन क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना बेटा, क्योंकि बहुत ही वास्ट है इंटीग्रेशन, तो फटाफट करने हैं क्वेश्चंस, क्योंकि इतने सारे हैं कि आप सोच ही नहीं सकते कि अभी तक आप देखो हमने 12 टाइप कर लिए हैं, और अगर अभी भी हम कैलकुलेट करने बैठे तो 12 टाइप के अंदर भी हमने मोर देन, अगर मैं हर टाइप के अंदर 10 क्वेश्चन भी करा रहा हूँ तो 120 क्वेश्चंस तो वही होंगे, और फिर हमने एनसीईआरटी भी की 40-40 क्वेश्चंस, तो 200 क्वेश्चन हम अभी तक हम कर चुके हैं, और अभी स्टार्टिंग है इंटीग्रेशन की, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना इस पर, ठीक है, बेसिक क्लियर करो और फिर फटाफट आगे चलो। चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर, टेन स्क्वायर, टेन स्क्वायर को भी हमने पहले किया था, टेन स्क्वायर को ले सकते हैं सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस वन, तो हमने ऐसे लिख दिया, और फिर सेक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है टेन, तो इसका आ जाएगा टेन टू एक्स माइनस थ्री, और फिर टू एक्स माइनस थ्री का डेटा टू, और वन का डेटा एक्स प्लस सी, बहुत ही आसान था। 22वां क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं, सेक्स स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन होता है टेन थीटा, तो इसका आ जाएगा टेन ऑफ सेवन माइनस फोर एक्स, और फिर एंगल का डेरिवेटिव माइनस फोर से डिवाइड कर देंगे। एनसीईआरटी में क्यों दे रखा है, क्योंकि वो चाहते हैं कि इसको सब्स्टिट्यूट करके दिखाओ, पहले सेवन माइनस फोर एक्स को पी पुट करो, ऐसा क्यों करें, ठीक है, जब डायरेक्ट अप्रोच हो रही है। 23rd में आपको दिख रहा है कि साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक तो तरीका या तो इसको पी पुट कर दो, नहीं तो ये फंक्शन है उसकी पावर वन है और ये उसका डेरिवेटिव है, तो एफ डैश एक्स इंटू एफ एक्स की पावर एन का आंसर आता है एफ एक्स की पावर एन प्लस वन यानी टू अपॉन टू प्लस सी, तो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। 24th क्वेश्चन, अगर आप ध्यान से देखें नीचे वाले टर्म का डेरिवेटिव क्या आएगा, नीचे वाले टर्म का डेरिवेटिव आएगा सिक्स माइनस साइन एक्स और फोर कॉस एक्स, तो अगर मैं नीचे टू से डिवाइड और टू से मल्टीप्लाई कर दूँ ऊपर, तो ये बन जाएगा आपका माइनस सिक्स साइन एक्स प्लस फोर कॉस एक्स, यानी नीचे जो टर्म है डिनोमिनेटर उसका डेरिवेटिव मेरे पास मिल गया उसी ऑर्डर में, तो एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स वाली फॉर्म आंसर आ जाएगा लॉग ऑफ एफ एक्स, तो वन बाय टू लॉग ऑफ सिक्स कॉस एक्स प्लस फोर साइन एक्स प्लस सी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 25th देखें, 25th में क्या करूँगा बेटा मैं, 25th भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, 25th है ना वन बाय कॉस स्क्वायर है, यहाँ पे वन बाय कॉस स्क्वायर है, तो मैं इसको लिख देता हूँ सेक्स स्क्वायर एक्स, ठीक है, और यहाँ लिख देता हूँ वन माइनस टेन एक्स की पावर माइनस टू। अब एक तरीका क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, आप क्या करो वन माइनस टेन एक्स को पी पुट करो, सेक्स स्क्वायर एक्स डेरिवेटिव आ रहा है, तो फिर से वही डेरिवेटिव यानी एफ डैश एक्स एफ एक्स की पावर एन, तो इसका आंसर क्या आएगा वन माइनस टेन एक्स की पावर एन माइनस एन प्लस वन, मतलब एन प्लस वन यानी माइनस टू प्लस वन अपॉन दिस। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है, और कम्पिटिटिव लेवल में क्वेश्चन आए तो इतना टाइम नहीं वेस्ट करना, डायरेक्ट ये प्रॉपर्टी ध्यान रखिए जो मैं लगा रहा हूँ, और फिर क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए, ठीक है ना। 26 क्वेश्चन एक बार देख लें, 26 रह गया, दिख ही रहा है क्या करना चाहिए 26 में, ये क्वेश्चन है कॉस रूट एक्स, इसमें भी दो तरीके स्ट्राइक करते हैं बेटा, कि अगर रूट के अंदर वाली टर्म को पीस कर मान लें यानी एक्स को पीस कर तब हो जाएगा, नहीं तो आप रूट एक्स को ही पी मान सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि रूट एक्स का डेरिवेटिव वन बाय टू रूट एक्स मेरे को दिख रहा है। अब आपको कि टू तो नहीं दिख रहा सर, तो हम टू को यानी कॉन्स्टेंट को तो बेटा इधर उधर रीअरेंज कर सकते हैं, तो इसको तो टू को उधर ले गए, तो आपको क्वेश्चन क्या बन गया कॉस पी और टू डी पी, टू बाहर चला जाएगा कॉस पी का इंटीग्रेशन साइन पी हो गया प्लस सी, और फिर आप पी की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये आपका आंसर आ गया, है ना। तो देखिए कितनी ही जल्दी क्वेश्चन नंबर 26-27 पे पहुंच गए हम। 27 क्वेश्चन दिख रहा है क्या करना चाहिए, एक तो तरीका बेटा कि ना हम साइन टू एक्स को पी स्क्वायर मान लें रूट से बाहर लिया बाहर डेरिवेटिव बैठा है, नहीं तो दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ पर हम देख रहे हैं ये है साइन टू एक्स की पावर हाफ और इसका डेरिवेटिव होता है टू कॉस टू एक्स, कॉस टू एक्स तो था मेरे पास टू नहीं था, मैंने टू से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये डेरिवेटिव ये एफ एक्स की पावर एन, तो इसका आंसर आ जाएगा एफ एक्स की पावर एन प्लस वन यानी हाफ प्लस वन अपॉन हाफ प्लस वन, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा वन बाय थ्री साइन टू एक्स की पावर थ्री बाय टू प्लस सी, ठीक है ना। अब चले अगले क्वेश्चन पे, 28 बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कौन सी फॉर्म लग रही है, क्वेश्चन है आपके पास कॉस एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स, तो एफ डैश एक्स अपॉन रूट में एफ एक्स, ठीक है ना, एफ डैश एक्स अपॉन रूट में एफ एक्स क्या होता है इसके इक्वल, सेकंड फॉर्म
इसका आंसर आता है 2√fx। तो उस अप्रोच से हम कह देंगे इसका आंसर आ जाएगा 2√1 sin x। नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आपको ये फॉर्म नहीं लगानी तो क्या करेंगे, 1 sin x को पी स्क्वायर मान लो या पी मान लो, ऊपर डायरेक्टिव बैठा और फिर क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। ठीक है, 29 क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं फटाफट। ये भी बहुत आसान है, cot x log sin x। अब इनमें से अगर मैं बोलूँ ना कि एक यहाँ दो टर्म आ रही है, एक टर्म दूसरे का डेरिवेटिव है, तो कौन सा डेरिवेटिव है? तो cot x का डेरिवेटिव तो होता है माइनस cos स्क्वायर x, वो तो नहीं है। और log sin x का डेरिवेटिव क्या होता है? log sin x का डेरिवेटिव होता है हमारे पास log sin x को अगर मैं पी पुट कर दूंगा तो log sin x का डेरिवेटिव होता है 1 sin x और फिर sin x का cos x यानी cot x। तो cot x dx ये डेरिवेटिव बन गया, यानी ये डेरिवेटिव है, ये फंक्शन है। तो फिर से वही f(x)(n), तो इसका आंसर आ जाएगा log sin x की पावर 2/2 + c। कौन सी प्रॉपर्टी लगाई मैंने? f(x)(n) dx इक्वल टू f(x)(n+1)/(n+1) + c। कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है, नथिंग इज डिफिकल्ट हेयर। 30th क्वेश्चन वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत आसान है। क्या करेंगे 30th में? नीचे जो टर्म है उसका डेरिवेटिव क्या होता है? उसका डेरिवेटिव होता है 1 का डेरिवेटिव 0 और cos x का माइनस sin x। तो मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया अंदर बाहर, तो नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव बन गया, तो log ऑफ डिनोमिनेटर मेरे पास आंसर आ गया। ठीक है, 31st कैसे करें? सेम क्वेश्चन, 31st में भी मैं क्या करता हूँ, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया और 1 + cos x को लिख दिया इसकी पावर -2। तो f(x) और f(x)(n+1), तो इसका आंसर आ जाएगा f(x)(n+1)/(n+1), यानी मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा 1 - 1 + 1 cos x + c। ये आंसर आ गया। ठीक है, 32 क्वेश्चन, 32 सेकेंड क्वेश्चन को बेटा मैं ना एक ट्रिक से कराऊंगा अभी आपको, अभी तो ऑफिस की स्टैंडर्ड अप्रोच बताऊंगा। 32 क्वेश्चन के अंदर आपका क्वेश्चन है रूट में 1 + cot x डिनोमेटर में। तो पहले ना इसको ट्रिक से कराता हूँ यहाँ पे, फिर इसका अगले ट्यूटोरियल में इसकी एक स्पेशल टाइप है वो कवर करेंगे। कॉस को हमने लिखा बेटा कॉस बाय साइन, एलसीएम ले लिया तो आ गया sin x / cos x। अब मैं क्या करूँगा देखना, यहाँ पे ना इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, इसको मैं ट्रिक से करा रहा हूँ और इसका स्टैंडर्ड रूल है वो अगले ट्यूटोरियल में डिस्कस करेंगे। अब 2 sin x हो गया ना ऊपर, तो उस 2 sin x को मैंने लिख दिया sin x + sin x। अब डिनोमीटर जैसा बनाने के लिए cos x ऐड कर दिया और सब्ट्रैक्ट कर दिया, कर सकते हैं। अब हम ऐसे 2 इंटीग्रल बना लेंगे, एक sin x + cos x का और जो बचा हुआ है sin x - cos x का। यहीं कट जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा x। और यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव क्या आएगा? sin x का cos x और cos x का माइनस sin x, यानी नेगेटिव का फर्क है। तो नेगेटिव कॉमन लेके लिख सकते हैं log ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सी। ठीक है ना, 33 क्वेश्चन क्या है? 1 - tan x, सेम 33 में करेंगे बेटा, इसको साइन कॉस में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/1 - sin x / cos x। एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा cos x / cos x - sin x। सेम अभी हम ट्रिक से कर रहे हैं, इसको स्टैंडर्ड रूल से बनाएंगे करेंगे। पहले 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ऊपर जो cos x + cos x है उसमें +sin x कर दिया और -sin x कर दिया। अब फिर से इसके जो नीचे वाले टर्म है वैसा बनाने के लिए इसको अलग ले लेते हैं, तो हमारे पास 2 इंटीग्रल बन गई, 1/2 cos x - sin x और फिर cos x + sin x। सेपरेट कर देते हैं, ठीक है, सेपरेट तो कर सकते हैं इस तरह से, यहाँ ही कट जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x और यहाँ पे नीचे वाले टर्म का डेरिवेटिव मिल रहा है शायद, देखो cos x का -sin x और -sin x का -cos x, यानी नेगेटिव का फर्क है। फिर से
तो माइनस कॉमन ले लो, तो आ जाएगा लॉग ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस सी। समझ पा रहे हैं मेरी बात क्या हो रहा है, कि मैंने बोला नीचे वाले का डेरिवेटिव बन रहा है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, तो माइनस माइनस कॉमन आ गया, यानी माइनस से मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मेरा आंसर आ गया। 34th क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। 34th में क्या करूँगा मैं देखो बताता हूँ आपको ना, पहले 34th में मैं क्या करता हूँ, पहले इसको कॉस स्क्वायर से डिवाइड करता हूँ, ध्यान से देखना, कॉस स्क्वायर से डिवाइड किया तो ऊपर आ जाएगा टेन एक्स, कॉस स्क्वायर से डिवाइड किया तो वन बाई कॉस स्क्वायर को ले सकता हूँ सेक्स स्क्वायर एक्स, और नीचे जब कॉस स्क्वायर से डिवाइड किया होगा तो एक कॉस कट जाएगा इससे और एक साइन बाई कॉस बन जाएगा टेन एक्स, ठीक है। अब ये रूट एक्स और ये टेन एक्स ये कट जाएगा आपस में, तो आ जाएगा आपके पास सेक्स स्क्वायर एक्स और नीचे रूट टेन एक्स, कौन सी फॉर्म आ गई देख लो आप, एफ डैश एक्स यानी ऊपर डेरिवेटिव नीचे रूट में फंक्शन, तो क्या आंसर आता है टू रूट एफ एक्स, इसका आंसर आ जाएगा टू रूट टेन एक्स प्लस सी, ठीक है। बस एक्सरसाइज खत्म ही होने वाली है आपकी। 35th क्वेश्चन, इसको लिख सकते हैं वन बाय एक्स और वन प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, तो कौन सी फॉर्म दिख रही है आप, तो आपको क्लियर हो गया होगा ये डेरिवेटिव और ये फंक्शन की पावर एन, तो ये आंसर आएगा इसका फंक्शन की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन अपॉन वन, ठीक है। 36th क्वेश्चन की बात करते हैं, 36th में अगर मैं देखूं कि ना मुझे एक्स प्लस लॉग एक्स को अगर मैं पी पुट कर दूं तो एक्स का डेरिवेटिव वन और वन बाय एक्स का लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन बाय एक्स आ रहा है, एलसीएम लूंगा तो मेरे पास आ जाएगा एक्स प्लस वन अपॉन एक्स डी एक्स, तो मेरे पास तो डेरिवेटिव मिल रहा है, देखो कैसे, ये क्वेश्चन था एक्स प्लस वन अपॉन एक्स और लॉग एक्स प्लस एक्स की पावर टू, तो ये रहा डेरिवेटिव ये रहा फंक्शन, तो ये बन जाएगा डी पी और पी स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा पी थ्री बाय थ्री, यानी एक्स प्लस लॉग एक्स की पावर थ्री बाय थ्री प्लस ई, नहीं तो वही प्रॉपर्टी जो मैंने बताई, ये डेरिवेटिव बैठा था, ये फंक्शन की पावर एन है, तो एफ एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन आ जाएगा, ठीक है ना। 37 क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे तो डायरेक्ट ही दिख रहा है बेटा कि टैन इनवर्स एक्स की पावर फोर को अगर मैं पी मानूंगा ना तो इसका डेरिवेटिव आएगा टैन का वन अपॉन वन प्लस एंगल का स्क्वायर, तो इसकी पावर एट, फिर एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा फोर एक्स क्यूब, तो अब हम क्या कर सकते हैं एक्स क्यूब अपॉन वन प्लस एक्स एट को यहीं रख दो और फोर को इधर ले जाओ, तो जो क्वेश्चन है वो क्या है आपका, क्वेश्चन है एक्स क्यूब अपॉन वन प्लस एक्स एट और साइन के अंदर टेन इनवर्स एक्स फोर, तो ये तो बन गया डी पी बाय फोर और ये बन गया साइन पी, तो साइन पी का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस पी, और फिर पी की वैल्यू पुट कर देंगे क्या वैल्यू आएगी टेन इनवर्स ऑफ एक्स फोर प्लस सी, तो ये आपके 37 क्वेश्चन कंप्लीट। लास्ट टू क्वेश्चन बताए 38 में तो बेटा दिख रहा है कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव ऊपर बैठा है, कैसे देखो x की पावर 10 का डेरिवेटिव क्या होता है 10x की पावर है 9 और a की पावर x का यानी डेरिवेटिव क्या होता है ax log, यानी 10 की पावर x का क्या हो जाएगा 10 की पावर x log 10, तो इसका आंसर क्या आता है log ऑफ डिनोमिनेटर, तो उस प्रॉपर्टी से यहाँ पे आ जाएगा log ऑफ डिनोमिनेटर यानी d पार्ट सही हो जाएगा, ठीक है ना। 39 क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, हम क्या करेंगे देखो ये है 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ ट्रिक क्या लिखेंगे 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो जो 1 है ऊपर उसको हम ऐसे ब्रेक कर देंगे 1 को लिख सकते हैं ना क्योंकि 1 इंटू डी एक्स था, और फिर इसको सेपरेट कर लेंगे, तो साइन स्क्वायर बाय दीज टू करोगे तो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट जाएगा 1 बाय कॉस स्क्वायर बचेगा, कॉस स्क्वायर बाय दीज टू करोगे तो कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट जाएगा 1 बाय साइन स्क्वायर बचेगा, और क्या करना है 1 बाय कॉस स्क्वायर लिख देंगे सेक्स स्क्वायर एक्स और इसको लिख देंगे बेटा कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, और फिर दोनों का इंटीग्रेशन पॉसिबल है, सेक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा टेन एक्स, कॉस एक्स स्क्वायर का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी, यानी ऑप्शन कौन सी सही आ गई ऑप्शन नंबर बी सही आ गई। तो देखिए कितनी जल्दी हमने सेकेंड एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी, तो थोड़ा फास्ट था क्योंकि बहुत ईजी थी, आप इसको स्लो मोशन में भी चला सकते हैं इसको, या रोक के क्वेश्चन पहले खुद ट्राई करके फिर सॉल्यूशन देख सकते हैं, ठीक है, तो ट्राई करिए। 7.2 हमारी एक्सरसाइज ओवर हो चुकी है, थैंक यू सो मच।